प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी का अभिवादन। मैं दुआ के घर कलीसिया मेरठ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर की आराधना में एक भजन संहिता में से पढ़ेंगे, भजन 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसे चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो आइए हम उस परमेश्वर के फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। I'm
rumah mereka bawa tanah. Ayah musim jadi kami ikut kita. Macam berantai, ia kuat dengan rasyat. Ia kuat dengan ini waktu ini ayah. Nampak pintu terusi, nampak jamu si, dia ucap ini. Ia kuat saya dipertiusi, dia rasyat. Thank you.
परमेश्वर का पवित्र नाम को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। मैं इस समय दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त भाई और बहनों का जो कि 24 घंटे के चेन प्रेयर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस समय विश्व को प्रार्थना की बहुत जरूरत है, हमारे देश को प्रार्थना की बहुत जरूरत है। प्रार्थना करें परमेश्वर अपनी कृपा को, अपनी दया को समस्त लोगों पर प्रकट करें। इस समय मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह के बीच में बातचीत हो रही है। अब वो पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह आपके आगमन के चिन्ह क्या होंगे, और उसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं पद 11 में हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21वें अध्याय और पद 11। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है बड़े भूकंप होंगे, अकाल होगा, महामारियां पड़ेंगी,
आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। और उसके 25वें पद को भी पढ़ दें, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। न केवल पृथ्वी पर यह चिन्ह दिखाई देंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता है सूरज में, चांद में, तारों में भी ये चिन्ह दिखाई देंगे, समुद्र में ये चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी के लोगों को संकट होगा, परेशानी होगी, वो घबरा जाएंगे, भय उनके जीवन में समा जाएगा। और उसका परिणाम हम 26वें पद में देखते हैं। उसके 26वें पद में लिखा है, भय के कारण और संसार में आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। मतलब लोगों के अंदर इतना भय हो जाएगा कि उनको किसी भी बात में मन नहीं लगेगा। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है कि पीपल विल बी फेंटेड विथ फियर। भय उनके जीवन को शासन करना शुरू करेगा। हर एक निर्णय जो वो लेंगे भय उनको प्रभावित करेगा, हर जगह भय। और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हम चारों तरफ अपनी आंखें उठा के देखें, हर जगह एक भय का माहौल है, डर का माहौल है, इंसान भयभीत है, असुरक्षित है, अब मालूम नहीं क्या होने वाला है। हम इन चीजों के लिए तैयार नहीं थे, ना हम इन चीजों के लिए तैयार हैं। हम एक समस्या से निकल रहे पर उसके बाद एक और बड़ी समस्या में हम लोग जा रहे हैं। एक विचित्र भय है और यह भय अंत के दिनों में लोगों के अंदर बढ़ता चला जाएगा, फियर। और जब इस भय को देखेंगे, इस भय को देखेंगे, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक बहुत बड़ा चिन्ह होगा। पर जिससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग भयभीत हों, क्योंकि आप परमेश्वर के विशेष लोग हैं, आप परमेश्वर के निज प्रजा हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आपके सर के बाल गिने हुए, और एक भी बाल जब नीचे गिरता है तो परमेश्वर की जानकारी में होता है। आप परमेश्वर की आंखों की पुतलियां हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो समस्त मानव जाति का परमेश्वर है, पर विशेषकर उनका जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, वो आपका विशेष ध्यान रखता है, विशेष ख्याल रखता है। और मानो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भयभीत हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डरे, आप भय के साथ इस जीवन को बिताए, ये परमेश्वर की चाह नहीं है। किसी ने इस प्रकार से बोला है, किसी विशेष अनुवाद में करीबन 366 बार मत डर लिखा गया है। अन्य अन्य वर्जन में शायद इसकी गिनती अलग अलग हो सकती है, पर इससे मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर ने एक ही बार भी बोला हो मत डर, तो मेरे लिए वो पर्याप्त है। पर किसी ने बोला है करीबन 366 बार बताया गया मत डर मत डर मत डर, इसका अर्थ यह है हर दिन परमेश्वर आपसे बोल रहा है तुझे डरने की जरूरत नहीं, भयभीत मत हो, मत डर। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, चेलों के साथ जो समय बिता रहे थे, अधिकांश समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही बात कर रहे थे, मत डरो मत डरो मत डरो। जब समुद्रों में वो फंसे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह पानी में चल के आता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मत डरो मैं हूं, तुम्हारा मन ना घबराए। और आज मैं विश्वासियों से बोलना चाहता हूं, जब ये चिन्हों को आप देख रहे हैं, महामारियों को देख रहे हैं, अकालों को देख रहे हैं, और इन प्रकार के जब समाचारों को आप सुनते हैं, आपका मन भी ना घबराए, क्योंकि आप परमेश्वर की निज प्रजा है, आप परमेश्वर के विशेष लोग हैं। और जब परमेश्वर इन चीजों को बोल रहा है अपने चेलों से, तो परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी पर संकट होगा, लोग घबराएंगे, पर मालूम मैं तुमसे क्या अपेक्षा करता हूं। उसके पद 28 में परमेश्वर कहता है जब ये बातें होने लगी, मतलब अकाल हो रहा है, महामारियां हो रही है, भूकंप हो रहा है, सूरज में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तारों में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लोग भयभीत हैं, क्या होगा कैसे होगा। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है जब ये बातें होने लगे, तुम क्या करना, तो सीधे होकर, तुम सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, तुम अपना सर ऊपर उठाना। हालेलुया, तुम मत घबराना, तुम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना, तुम ज्यादा प्रार्थना करने लगना, तुम ज्यादा वचन को मनन करना शुरू करना,
तुम ज्यादा आराधना करना, तुम ज्यादा परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना, क्योंकि उसके आगे ही लिखा है, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा छुटकारा क्या हो गया है, निकट है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ गया है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। संसार के पास इन घटनाओं के कारण नहीं पता, उनको नहीं समझ आ रहा ये क्यों हो रहा है, पर आपको पता है, मेरे को पता है, हम आशा रहित नहीं है। हमें मालूम है कि ये सब आम चिन्ह हमें याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर का आगमन निकट आ गया है। और इसलिए मैं जब अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूं, मेरे प्रियो, मेरा जीवन का हर एक सवालों का जवाब मुझे मिल जाता है। मेरा आशा रहित दशा में एक नई आशा उत्पन्न हो जाती है। मेरा विलाप नृत्य में बदल जाता है। मेरा निराशा, मेरा डर विश्वास में बदल जाता है। और मेरे अंदर एक अद्भुत आनंद आ जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा छुटकारे का समय निकट आ गया है। कलीसिया, ये समय आ चुका है कि कलीसिया को अपने आप को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए, गंभीर हो जाना चाहिए, अपने आत्मिक जीवन को लेकर गंभीर हो जाना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भी संसार के लोगों के समान भयभीत हो जाएं, डर में अपने जीवन को जिए। हम इस संसार में रहते हैं और संसार की कई बातें हमें भी परेशान करेगी, और हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, पर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने यह पहले से हमें बता दिया है। हमें उत्साहित होने की जरूरत है, हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। और आने वाले दिनों में हम इन घटनाओं को अधिक से अधिक, अधिक से अधिक होते हुए देखने पाएंगे। हालेलुया। प्रेरित काम उसके एक अध्याय और उसके ग्यारहवें पद में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था और लोग खड़े होकर देख रहे थे कि वो स्वर्ग में उठा लिया जा रहा था, और उस समय एक स्वर्गदूत आके बोलता है, यही यीशु को तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखते हो उसी रीति से वो फिर आएगा। जी हाँ, यही यीशु अर्थात पुनरुत्थानित यीशु, जो मुर्दों में से जी उठा, उस यीशु को तुम दोबारा आते हुए देखने पाओगे। और जब वो आएगा उससे पहले कुछ चिन्ह होंगे संसार में, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, समुंदर में कोलाहल हो जाएगा, सूरज में चिन्ह दिखाई देंगे, महामारियां होंगी, अकाल होंगे, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। पर ये चिन्ह है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ गया है। क्यों प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है? What is the reason? इब्रानियों के पत्र उसके 9वें अध्याय उसके 28वें पद में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोत रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए दूसरी बार यीशु मसीह आने वाला है। जी हां, जिन्होंने यीशु मसीह के पहले आगमन पर विश्वास किया, उसके बलिदान पर विश्वास किया, और अब वो यीशु मसीह के आगमन की बाट जोत रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु उसका उद्धार करने के लिए आ रहा है। हमारा उद्धार हो चुका है 2020 वर्ष पूर्व, और जिस दिन मैंने यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार किया उस दिन मेरा उद्धार हो गया। शैतान की प्रभुता मेरे जीवन से खत्म हो गई, पर फिर भी मैं पाप से आजाद नहीं हुआ। संसार मेरे ऊपर कहीं ना कहीं अधिकार रखता है। पर बाइबल बता रही है, जिस दिन मैं उसको आमने सामने देखूंगा, पहला योना उसके तीसरे अध्याय, जिस क्षण में यीशु को देखूंगा, जिस क्षण मेरी आंखें यीशु से मिलेगी, मैं उसके समान हो जाऊंगा और वो उद्धार का काम पूरा हो जाएगा। अपने बाट जोतने वाले लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। दूसरी बात लिखा है यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में उसके 1 से लेकर 3 पद तक, कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए एक मकान को, एक भवन का निर्माण करूं, और जो वो तैयार हो जाएगा मैं आकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। तो परमेश्वर अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। और मानो परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए एक मैंशन को, एक महल को तैयार कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, और जो वो तैयार हो जाएगा मैं आऊंगा और तुम्हें यहां से लेकर चला जाऊंगा।
इस संसार में बहुत से दुख हैं, बहुत से जरूरतें हैं, बहुत से निराशाएं और आवश्यकताएं हैं। पर मेरे प्रिय, जब हम उसके आगमन की बाट जोतते हैं, हमें मालूम है कि स्वर्ग में हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत भवन बनाया जा रहा है। और वो खूबसूरत इसलिए हो जाता है क्योंकि स्वयं मेरा प्रभु वहां पर वास करता है। संसार में बहुत सी आवश्यकताएं होंगी, पर स्वर्ग से जब परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि इसके लिए स्वर्ग में एक खूबसूरत भवन तैयार किया जा रहा है। दूसरा तिस्लोनियों उसका दूसरा अध्याय उसके आठवें पद में लिखा है, वो अपने शत्रु को मारने के लिए, अपने शत्रु को नष्ट करने के लिए आ रहा है। प्रेतों के काम उसके 17वें अध्याय और उसके 31वें पद में लिखा है, वो न्याय करने के लिए संसार में आने वाला है क्योंकि उसे एक दिन ठहराया है कि हरेक का वो न्याय करे, कोई नहीं बच सकता। वचन में लिखा है हर वो बातें जो छुपी हैं वो रोशनी में लेकर आएगा, चाहे वो भलाई की हो या बुराई की हो, हर एक चीज का परमेश्वर न्याय लेकरेगा। आप और मैं नहीं बच सकते उस न्याय से। और आखिरी बात, प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय और उसके 15वें पद में लिखा है, वो जगत के ऊपर राज्य करने के लिए आ रहा है। हालेलुया, वो राज्य करने के लिए आ रहा है, वो अपने राज्य की घोषणा करने के लिए आ रहा है, वो प्रभुता करने के लिए आ रहा है। ये पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया है, ये पृथ्वी परमेश्वर का है। हम फिर से इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के राज्य को देखने पाएंगे। क्या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार है मेरे प्रियो? मैं जानता हूं, मैं जब कई लोगों से बातचीत करता हूं, वो कहता है हमें मरने से डर नहीं लगता है, हमें घबराहट नहीं होती मृत्यु से। पर मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप सच में अपने दौड़ को पूरा कर पाए हैं? क्या सच में उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए जिस लक्ष्य हेतु परमेश्वर ने आपको संसार में भेजा है? क्या आप पौलुस के समान कह पाएंगे कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है? क्या परमेश्वर आपको देखकर बोलेगा शाबाश? इस पृथ्वी पर रहकर हमारा कुछ लक्ष्य है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका आगमन किसी भी क्षण हो सकता है। ये चिन्ह चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे हैं, हमें नहीं मालूम अगला चिन्ह क्या होगा, हमें नहीं मालूम अगले साल हम क्या क्या चिन्हों को देखने जा रहे हैं। हम एक महामारी से नहीं लड़ पा रहे हैं, इससे भी भयानक बातें आने वाले दिनों में होने वाली हैं। और जब ये चीजें होने लगे, आप सीधे होकर परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें।